चार दिन में कार्यक्रम यूट्यूब चैनल पर होगा। जो संस्कृति प्रेमी है चैनल को सब्सक्राइब करें। प्योर हरियाणा की संस्कृति, कोई डांस पांस कुछ नहीं, चाहे भाण बेटी कोई सुनो, प्योर सांस्कृतिक चैनल है हरिओम रागनी चैनल। जो साथी संस्कृति प्रेमी है वो दो चार दिन में चैनल पर कार्यक्रम होगा। 500 रुपए से मान सम्मान उछला जाए। प्रवीण भाई करते हैं बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। और जैसी फरमाइश है, आज भी समाज में वही जिक्र है कि कुआ प्याऊ धर्मशाला गौशाला निर्माण हो या कोई सामाजिक कार्य हो तो वो संगी भजनी बुला जा, और सारा समाज बैठे कुछ बुजुर्गों की चर्चा हो, बुजुर्गों ने कैसे समय बिताया उससे को शिक्षा ली जा, अपने जीवन में धारण की जा, यही प्रथा चली आई। न्यू कहे दादा लक्ष्मी बुला रखा और सारा गांव गवांड जा सांग देखण भाजा जा है। और उसी गांव में एक ब्राह्मण जो कांसी जी पटकारा ने बुला रहा, क्या गाला पड़ता पड़ रहा देश खड़ा भाजा जा है। निवले मंदिर बताता अरे लक्ष्मी ओ निवला डूब का मर जाओ, निवला क्या दे निवला चार छोरे अंजना ने लत्ते पराओ खड़े तक तोड़ा है, वो भी क्या मजाना है। अनपढ़ आदमी सब ले सारे देश का पागल बना रहा है, ना सांग देखण जा ना कुणबे न जान दे ना गाम न गाड़ दे गवान न गाड़ दे। और न्यू कह वो जड़ बेड़ा टे ट्रिया था उड़ो एक तारा बजाओ जड़ में, पहले बहुत थी बात, ईब तो बहुत फर्क हो गया, पहले बहुत थी। आपके गांव में तो भजनी रहे ऐसे तुम न बेराए होगा, बोले गंगा जी वह कट्ठे होया करते के फोन थे जब के वह गंगा जी का मेला होगा उड़ा आज यो सारे उड़ा डटांगे कई दिन डटियार तेरे बूढ़े रंग लिया करते। एक तुमने भजनी सुना होगा बस्ती राम, एक सुना होगा घीसा राम, उन दोनों कंपटीशन था उड़ा कंपटीशन के था आपस में, एक एक टेक धर लेते उसे भला के रहते वे तुरंत बना करते, और आपस में मस्करी कराया करते मखोल कराया करते कविता के महाग है। वो निबला रहे पहले घीसा राम उठा था घीसा राम बस नहीं होया था, निबला रहे बस्ती राम तो निबला रहे तू निबले हाँ निबला तू चो कर उजाड़े से तन कौन कहे से बस्ती सारा दंग लाखन ला गया। निबला चो कर उजाड़े से तन कौन कहे से बस्ती, फिर बस्ती राम उठा से निबला रहे तू तू निरा तरे का तेल से तन कौन कहे से घीसा। ये कंपटीशन होया कर दे बता है वो एक तारा बजा और बोला ब्राह्मण के बेटे बोला इन बात का मना अर्थ बता के जाइए, ब्राह्मण के बेटे बोला बात का अर्थ बता के जाइए। अगले दिन सांग राम के नाम लेकर कमेटी बुला ली, बोला सांग जब होगा जब फलाना बामना होगा उस दौर गए नहीं, बोला पंडित जी महाराज तू चाल जब सांग होगा नहीं, बोला मैं दर्शन करके राजी नहीं, गांव दर गवाण न दाब दीर न ठा लेगी मन से ही बताते हैं दादा लक्ष्मी चंद्र हाथ जोड़ के राम राम करी पंडित जी महाराज राम राम, बोला फूक दे तेरी राम राम ने क्यों पागल बना रहा है देश ने क्या था। अरे कभी गुरु के आश्रम में पाठशाला में विद्यालय में मदरसे में कदे गया था? हाँ नहीं, बोला पंडित जी मत आया तवार ने भी नहीं गया, लक्ष्मी चंद नहीं पढ़ रहा था गुरु की दाद दिल बढ़ रहा है नहीं, बोला पर तू एक तारे बजा का काल के कह था। हाँ गुरु जी बोले दानी तो भाई टड़े कौन है अमित अमित ढुल विनोद ढुल डुड़गत विनोद डुड़गत जी भाई ने ये जो पीछे सेड है दो सेड हैं उन सारे ने पक्का करा हुआ कई मऊ पहले मोटा है साहब जी हाँ इतने जितने में पक्का होगा इतने रुपये तो गड़गड़ में भी घाल रहा है कदे बहम हो इतने रुपये तो नकद गाल हंड गड़म में भी सही इतने दे जो दानियो दे जो जी देखो जैसा बताया कि भाई ने 70 लाख रुपए का सहयोग काम में कर लिया, या भी नीत की बात से नहीं कह के फैरी है, नीत की बात से इसकी नीत से इसने सारे पक्का करा देगा परमात्मा और भाई ने और सफलता दे बार बार धन्यवाद। अरे 1,01,000 नगद
और सारे पक्का कराओगा बार बार धन्यवाद के निबला काल हुआ एक तारा बजा के जकर कर था वो कर ले निबला उन बात तो न के बेरा हम गुरु के आश्रम में रहे काशी जी पढ़े गुरु के आश्रम में रहेगा हमने वेद पुराण तत्व तो का ज्ञान सीखा तो न के बेरा उन बात का निबला हो सके एक आध बता दे निबला एक भी बता दे तो आज जो उन जो त्री शर्त है मेरे को मंजूर होगी निबला एक शर्त है गाम में सांग हो इतना सांग देखना यार किसा का बुराई मत करिए ऐसे सजनो भजन को सुनना जैसी फरमाइश है पर मैं सोचू घने गौर तो सुनोगे जब थोड़ा सा समझ में आओगा थोड़े गौर तो सुनोगे तो कति नहीं आओगा पहले है गारंटी है तो जरा चेतन होकर सुनना प्योर गर्म ज्ञान का भजन दादा का क्या लिखा पहले तो सवाल है कि ब्राह्मण कौन है पहले तो यो ही सवाल कि ब्राह्मण कौन है इस कली में दादा ने खोलिया भी ओ नहीं पैदा तो हो जा गोड ब्राह्मण गए ठप्पा भी लाग गया एक भी कर्म का ज्ञान नहीं हो ब्राह्मण उपाधि है इसने इसको ग्रहण किया जा सकता है अपने रहन सहन से ओ नहीं से पैदा ब्राह्मणा हो जा से उठते शील तोड़े से पौएगी एक नाड़ चुचू मार के और फिर अंडिया ही रेडी बजा से मेरी फर्स्ट क्लास आमलेट बना दे और लसन प्याज ना गेरिए मैं पंडित जी को दे धर्म न खो दे बढ़िया बना दे लसन प्याज ना गेरिए ओ नहीं है कौन है ब्राह्मण जिस इस नियम से रहता है एक
माया ईश्वर ब्रह्म शक्ति ब्रह्म लोक जिनका धाम ब्रह्म पुत्र बहुत हो गए नौ गुण ब्राह्मणों के नाम आत्मा से ओम रटे हत्या उतरे की तमाम आत्मा से ओम रटे ओए पांच तत्व पांच भूत पांच कर्म करें प्रतिपाल नौ दरवाजे आख्या देखे इन सारे की एक चाल काम क्रोध मद लोप मोह आशा तृष्णा के न टाले अरे निंदा ईर्ष्या पांच प्राण तू कसमे द्वार ले जाइए रे परसन का उत्तर बोलू सुन तू ध्यान उरे में लाइए रे परसन का उत्तर बोलू सुन तू जन्म बता दे बुद्ध का तो जन्म बता दे बुद्ध का तो जन्म बता दे बृहस्पति का गुरु द्वारा चंदा का परमाण खोल लख दिए सब न्यारा न्यारा एक प्रसन्न योगी खोल ब्रह्मा का शर किसन तारा एक प्रश्न योगिखोल ब्रह्मा का शर किसन तारा और तीन जन्म का श्राप लग्या तीन जन्म का श्राप लग्या किसने दिया था दंड कितने हैं ये चल थल और कितने हैं ये ब्रह्मंड सात द्वीप चौदह भुवन नौ ते गणा के खंडे सात द्वीप चौदह भुवन नौ अरे रिद्धि सिद्धि याद करण ने दुनिया अलग बसाइए रे तो जन्म बता दे बृहस्पति का गुरु द्वारा चंदा का प्रमाण खोल लिख दिए न्यारा न्यारा एक प्रश्नियो भी खोल बता ब्रह्मा का शर किसने तारा ऐ सजनो यहां बुद्ध का जन्म खोल है तारा के गर्भ से बुद्ध का जन्म हुआ है तारा बृहस्पति के घराली थी पर बुद्ध बृहस्पति का नहीं था कैसे हुआ बृहस्पति की नारी थी चंदा पढ़ने जाया करता गुरु पत्नी से यारी थी शंकर ने ब्रह्मा की गर्दन तीन बार उतारी थी शंकर ने ब्रह्मा की गर्दन तीन बार उतारी थी एक कालर चूड़ विदुर बना धर्म पुत्र धरे जन्म तीन पांडव ने शराप दिया तुम पढ़ के देख हुए यकीन 40 करोड़ जल पर मंडे सात द्वीप लोक तीन 40 करोड़ जल पर मंडे सात द्वीप तेरा लोक तीन रिद्धि रसिद्धि याद करण ने टाइम बहुत सा चाहिए रे परसन का उत्तर बोलूं सुन तू जा
सतयुग का वो सतयुग का बयान करे, सतयुग का बयान करे, सतयुग का बयान करे, कितने वर्ष बीते रहने सूरज और चंद्रमा के, कैसे ये होते हैं ग्रहण, एक प्रश्न है यो भी खोल, कितने हो गए चक्र पैन, एक प्रश्न यो भी खोल, कितने हो गए चक्र पैन, और कितने हैं ये धर्मी कर्मी, और कितने हैं ये धर्मी कर्मी, कितने हैं ये नारी नर, कैसे बनते पक्षी सारे, कैसे बनते अस्थावर, कैसे बनते पशु सारे, कैसे बनते नभचर, कैसे बनते पशु सारे, कैसे बनते जो जन्म मरण में नहीं आवते उनके नाम कराइए रे। बयान कर कितने वर्ष बीतते रहे सूरज और चंद्रमा के, कैसे ये होते हैं ग्रहण, एक प्रश्न यो भी खोल, कितने हो गए चकवे बहन। यहां सतयुग की उम्र को पूछा है सजनो, 43,20,000 साल की एक चतुर्युगी होती है जिसमें चार युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों का अलग अलग वर्गीकरण है। सतयुग 17,28,000 साल का सतयुग, उसके बाद त्रेता युग 12,96,000 साल का त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग, और जो फिलहाल चालू है कलयुग 4,32,000 साल का कलयुग है। और लोग ने कहा बोला घोर कलयुग आ गया, इपद 5,100 इसे साल बीते हैं, सारा न्यू का न्यू खड़ा है, ये बता भंडारे होने लाग रहे, लोग दान करने लाग रहे, लेकर देने लाग रहे। भागवत में भागवत कहती है कि जब इस कलयुग के मात्र 10,000 साल शेष रह जाएंगे, इतना पाप धरती बढ़ जाएगा, ये सारे देवता और मृतलोक में स्थान छोड़ जाएंगे, कोई नहीं रहेगा, पाप इतना बढ़ जाएगा। 5,000 साल कलयुग के शेष बचेंगे, इतना गंगा का नीर सूख जाएगा, गंगा वापिस देवलोक चली जाएगी, धरती पर नहीं रहेगी, इतना पाप बढ़ जाएगा। एक सारा बचेगा स्थान देवता का, ग्राम देवता का, जब 2,500 साल शेष बचेंगे न्यू कहीं इतना पाप बढ़ जाएगा, ये भी स्थान छोड़ जाएंगे, तब ये सृष्टि प्रलय की तरफ जाती। क्या लिखा, अरे 17,28,000 17,28,000 साल सती युग के कितने होए छोड़ लाने, ये दन छिपे उग के छह चकवे प्रतापी राजा, वे चकवे बन युग के लगभग 92-95 साल पुराना भजन होगा। दादा ने उस टाइम पे सारी धरती की जनसंख्या 300 करोड़ बताई, जो आज वर्तमान में इस टाइम लगभग 725 करोड़,
सवा सात सौ करोड़ बसे नर नारी, सवा सात सौ करोड़ बसे नर नारी, अन्न खाने जल पीने से 33 कोटि रहे वांछित, मरने और जीने से जल चरण नभ चर गण, ये सारे कर्म के करीने से सूरज पछा पृथ्वी की जब जब ग्रहण कहाइए रे बरसन काय उतर बोलू सुनू जानू रे हर लाइए रे बरसन काय उतर बोलू सुनू जानू रे न लाइए दे रखी हर ने झूठ नहीं चलती रे लोगो झूठ नहीं चलती और अपना अपना दृष्टिकोण है जीवन जीने का मैं एक छोटी सी बात बताता हूं ये सनातन धर्म समझने के लिए एक कंटर भर का वह वेद शास्त्र पुराण ग्रंथा का और वे सारी पड्डी जान गुणी जान जब ये सनातन धर्म समझ में आता है जो आज इस भागा दौड़ के जीवन में लग भगे संभव काम ओ ना हो मन कुछ किस दादा लक्ष्मी ने समझ ले नहीं सोच ले सनातन धर्म समझ में आ गया इन्हें सब क्या की गिरी काढ़ ली पुराण शास्त्र ग्रंथ की गिरी 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 काट कर मारियाली या बोली है इसमें न्यू न्यू थाली में घाल के दे रखी है मारे में समस्या के है इस समाज में मारे में एक समस्या है समस्या के है हम लक्ष्मी ने तो मानना था ओ बोला दादा सौ साल आगे की कह गया ऐसा कवि ना होना सब मानना है हम लक्ष्मी ने तो मानना था फिर लक्ष्मी की नहीं मानते जो लक्ष्मी ने कह रखी है वह ना मानते लक्ष्मी ने मानना था लक्ष्मी कह वह मानो जब बनेगी बात उसने जीवन में धारो अरे इतना आज देख आज वैज्ञानिक कहते हैं कि सृष्टि की संरचना होने में 4,33,00,000,000,000 वर्ष का समय लगा पृथ्वी का यह स्वरूप तैयार होने में जिसके
जिसके नीचे जल रह सके, जिसके ऊपर पेड़ पौधे उग सके, फसल उग सके, जिस पर हवा तैर सके, मानव का जीवन संभव हो सके। पृथ्वी का यह स्वरूप तैयार होने में 4,33,00,00,000 वर्ष का समय लगा। आज रिपोर्ट आओ से दादा के वजन पड़ जाओ। जब भी कह था एक निपट अंधेरे कमरे में एक बीज दबा कर रखा, 4,33,00,00,000 वर्ष में जाकर पाक्या, जब तक अवधि हुई ना पूरी, ना तोड़िया ना चाख्या, जुन सा कानून बना दिया, हर न बोला जाता नहीं बोला। वो जब भी कह था कितना टाइम जाले। आज ये इंटरनेट मोबाइल हरेक हरेक आदमी इस्तेमाल करे थे, इन्हें जो इंटरनेट भी गा रखा थे, उसने यो इंटरनेट मोबाइल भी गा रखा है। जो भजन सुनते हो इसका दादा लक्ष्मी का यो समझना पड़ेगा। बोला ज्ञान के कारण पृथ्वी जल वायु तेज आकाश खड़े, और ज्ञान बिना सो कोस दूर, और ज्ञान के कारण पास खड़े वीडियो कॉल और चाल की बिटवा। मैं शैम बता रहा उन्हें यो इंटरनेट मोबाइल भी गा रखा है। HIV/AIDS या बीमारी तो काल चाली हो ना, उन्हें भजना में इसका भी संदेश दे रखा है। 28 नरक व्यास ने वर्णे शरद शरद मिला के, लक्ष्मी चंद सतगुरु की आज्ञा ले चल गात बचा के, गैर पुरुष और गैर स्त्री देखो इश्क कमा के, वह है तस्वीर में लग गया गपड़ नरक में जाके। ओ बिगारा क्या है आज नीम खोद ले, नीम खोदते यारा प्यारा न्यू कहगा पीछे खराब मत करियो, वास्तु के हिसाब तो बनाइयो, वास्तु दोष नहीं रह जा। वास्तु शास्त्री बुला लिया, वास्तु की किताब लिया, वास्तु के कैसे वास्तु न्यू कैसे, जिस प्लाट की चारों भुजा समान होगी वो प्लाट शुभ होगा, जिसकी छात ऊंची होगी वो मकान शुभ होगा, जिसकी नीम गहरी खोदी जा वो मकान शुभ होगा। जो वास्तु भी गा रखा उन्हें पद्मावत में, बोला किसने महल बनाया था ढंग दुनिया तनारा पड़ते जाली चकचांदी के झांकीदार चुबारा, पहली अकली वास्तु की है जगह चकुट्टी, जगह चकुट्टी नीम चोए में ऊंची छात देवाई, तरह तरह के कूट मसाले बोले चंगी करी ले पाई, लाल और पीले हरे गुलाबी रंग दे रे थे रुसनाई, सारे देश तो माया लिया के इस कमरे का लाई, छज्जे शिष्याले ऊपर मोर फराटे ठारिया, पड़ते जाली चक चंदी के झांकीदार सुबारा। उन वो बिगार एक भी चीज रहे कभी इसने समझ लो, डंग धरोगे ना डंग धरते बोल लगा न्यू करे तो न्यू होगा। इतना इतना प्योर सोता मिल रहा था फिर भी ना समझ मारी है। अरे जकर किया आंख मात नीर काट पैदा तो किया था लाल, नरक की तो नारी बन गई ये भी हो गया गजब कमाल, दो पुत्र पैदा हुए उनका भी सुना दे हाल। आज पहले तो अमेरिका इंग्लैंड में होया करता है, भारत में भी हो सर, उसने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अवार्ड दिए हैं डॉक्टर ने, कई ने मेडिकल साइंस में क्रांति लिया दिमा के कर दिया, आ किसने सर्जरी करके छोरे की छोरी बना दी, छोरी का छोरा बना दिया, और बड़ी ताली बाजे हैं, बड़े बड़े नाम मिले हैं। मारे ये तम सर्जरी करके करो हमारा ऋषि मुनि मां मंत्र दकरिया करते। दादा वो वजन भी सुनया होगा, गांव का गोरे बने सरोवर वृक्ष खड़े ठंडी छाया, एक जनाना एक मर्दाना तालाब हुप ने बनवाया, जड़ा राजा रानी नहा करते ईश्वर की फिरगी माया, मर्दान्य में रानी नहाई जनान्य में राजा नहाया, राजा की तो रानी बन गई रानी का गुड मैन होया, किसी शराब से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन होया। मैं मंत्रा तो कराया करते ये सर्जरी करके, पहले वाली जो हमारी ऋषि मुनियों की साइंस थी उसको तो ये साइंस छू भी नहीं पाई। यो धन्यू ला लो, आज जीव देख लो, एक MBBS डॉक्टर बनाने में करोड़ों रुपए की लागत आती है। जब एक MBBS डॉक्टर तैयार होता और किससे MBBS धोर जाले जो दांस भी पा जाता, जाते हैं धन्यू कहेगा क्या बीमारी है, हाँ भाई फिर बीमारी मैं बताऊंगा तो तू क्यों बैठा है, फिर वो टेस्ट लिखेगा न्यू कहेगा 6 टेस्ट करा, टेस्ट कौन करे मशीन, मशीन टेस्ट करके बीमारी बताओ, फिर वो टट्टू डॉक्टर है। मारी चिकित्सा पद्धति क्या थी, कोई रोग हो जाता तड़के खाली पेट चले जाते हो, मुड्ढे बैठा पाता अड़े तन अड़े तो पकड़ लेता नाड़ी ने, और आंख मीच के न्यू बता देता फलानी चीज खा रखी था वा शेद गिरियो खा ले ठीक हो जाएगा, 6-6 महीने पहले साल साल भर पहले ही खाई ओढ़ के, मैं झूठ तो नहीं कर रहा दंगल में। अरे सरकार ध्यान देती
और इसके आचार्य नियुक्त करती, शिक्षा को बढ़ाती, हमने एक्सरे की अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं दी। सारी दुनिया ने बेरा गौ माता, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। इसका गोबर भी काम आओ, मूत भी काम आओ, इसका दूध अमृत के समान सब जाने हैं, पर यह ठोकर खाती फिर से और सरकार भर लाई काले पीले जनावर जहाज में बाहर देश तुम लाइए बढ़ाऊंगे दूध। वे बिचो मोटरसाइकिल ने भी तोड़े हम नन्नी होना बेरा के करना सर के नहीं करना सर खा ठा रखा सुगर में ना नन्नू बेरा तुमने कितना खाना है। एक अमरीकन ने एक खेत में छोड़ दिया, एक बासड़ू सारे खेत में खा जाएगा न्यू ना बेरा कितना खा करना खा। वो एक नई मोटरसाइकिल ले आधार ले आ गया, वो बाजार में खड़ी कर कर भाग जाएगा प्रसाद लेने बाबा के। तो हुकमान ज्यादा इतने को खट्टर आ गया, खट्टर ना आगे बाबू चढ़ चढ़ आगे बाप पड़की पड़ते शीशा फूट गया। पड़ोसी ना का मोटरसाइकिल ढाई चार गए खड़े हूँ अमरीकन का मारे इतना प्रसाद लेकर आने बोले तेरी छाया निबला मेरी अपने की संभाल करा कर कड़ा जा रहा था निबला वो नई मोटरसाइकिल ले आया हम प्रसाद लेने जा रहा था बाबा का तो हुक्मान जाऊंगा निबला एक किलो और लिया मैं दूध और होगी इसी फांसी का हल के छोड़ रखी हर ने को आ रहा है सदाए गुरु मान सिंह पढ़ने से ज्यादा ज्ञानी हो से सत्संगी कड़ियाउड़ फालतू से पढ़े उड़ते। हर इस दुनिया में जब जब इतिहास रचा था न पढ़ने रचा से पढ़े लिखे ने के मैं करिया भी ना आ ओ एक चौथी माँ का पढ़ना छोड़ गया धर वो कुंबे ने भैंस चराने ला दिया वो भैंस चरावे ठोडी तला लाठी रख है औड़ के बन रही है एमबीबीएस डॉक्टर का अस्पताल को नहीं लंबी लाइन लग पाली नहीं सोचेगी बेटी का डॉक्टर जी सा ले रहा है। अरे पाली का रोज मन मनियो आ जा लवे तू डॉक्टर बन गया ना क्यों भाषा ही गैल हो रहा है। फिर थोड़ी बार में समझ में आ जा डॉक्टर बन खातिर तो पढ़िया लिखा होना चाहिए पढ़िया तीन ने था चौथी में बस्ता बगा दिया था नहर में क्यों कर बात मने उड़े में सरानी उड़े वो अस्पताल रोज मन में आ जा तू डॉक्टर बन गया ना। एक दिन वाला लाठी भी जित बस्ता बगा था नहर में बगा दी नहीं बोला डॉक्टर बनेंगे उसका एक खेत लागत था वो अस्पताल दो रहे मिस्त्री बुलाकर कोठड़ा चढ़वा लिया ने बोला डॉक्टर के बाहर के लिख रखा है बोला इसका बाहर लिख रखा है धरती के तख्ते का कोई भी रोग हो बोला वो 500 रुपया में 500 रुपये फीस से डॉक्टर की कोई रोग हो कोई दिखाना आ जाओ 500 पहले जमा कराओ फिर डॉक्टर देखेगा। पाली ने बोला भाई ठीक करने की गारंटी बता नहीं बोला ठीक की को गारंटी देखने की फीस 500 फिर वो पढ़े उठ तो कड़िया उठ फालतू एक पेंटर बुला के निबला मेरे बाहर भी लिख दे के अगर धरती तख्ते का कोई रोग हो 300 में ठीक ना 1000 उल्टे पाली तमें सकीम ले आया। अरे भगवान ने ऐसा सूत बैठा हुआ जितने पेशेंट हुआ उसका भीड़ जाती हुआ सारी टूट के पाली कान लगी एक उनका भतीजा कल्लू चाचा भतीजा दोनों उड़े रहे वो एमबीबीएस ने सोचे यार एक अनपढ़ कैसे इलाज कर सके जनता जान तो लगी फिर महीने 20 दिन में को केस बिगड़ जाएगा तेरी मार्केट और बढ़िया आ जाएगी अब तू कर दे काम महीने 4 लकड़ी के को डॉक्टर नहीं वो बुझण ना हो तू क्यों बैठा है जैसा टिफिन बांध के लिया नहीं वो खाक से लिया जा उन्हें देखे यार नहीं तो देखियो इलाज की कौन सी विधि ले रहा है तुम भी देख और क्या मना होगा तुम घर तक ना लागेंगे मैं एमबीबीएस वो अनपढ़ वो न्यू कहे 300 में रोग ठीक ना 1000 उल्टे तो 1000 तो रोज में ले कहे जाऊंगा पूरा जाग लाइन में लाग गया फिर का नंबर आ गया ने डॉक्टर साहब मेरा करिए इलाज निबला बोल तावड़ा बोल भीड़ घनी है के टाइम से मने निबला देख लिए 1000 लूंगा निबला 300 में कोई रोग हो जड़ से खत्म निबला भाई डॉक्टर साहब मेरी जीभ ने स्वाद आना बंद हो गया स्वाद आना बंद हो गया निबला मिठाई खा लियो चाहे माटी खा लियो मने एक सी लग गए हाँ निबला अड़ मुडे बैठ बठागो का भतीजा था निबला कल्लू ओ आ कहां काका निबला लिया दवाई अरे कल्लू ठा रे एक पीपी बैठ जा हल्ती आवे भीतर सब के मैं अरे निबला मुंह पाड़े पड़वा के डॉक्टर का मुंह और दो डाटे मारे पेट्रोल वो कर थू थू रे बिचो तो पेट्रोल पिया दिया आने वाला रुपये 300 का अड़ती जीभ ने स्वाद का बेरा लाग गया केसर के नहीं डॉक्टर ने सोचा भाई बात इसकी सही है रुपये 300 लाग गए देख चलिया गया 15 दिन मूड खराब रहा फिर सोचा ले भाई ये तो वसूल करने हैं फिर चलिया गया हिम्मत सीकर के निबला भाई आज करिए इलाज निबला काम में यू है तावड़ा बोल भीड़ गणी है
निवले हजार नूंगा, निवले 300 में ठीक करूंगा, निवला करेगा कि मेरा यादगिरी खत्म होगी, मेरे कम याद नहीं रहता। निवला बैठ कर लू कहा का बोले आ जा, वो दवाई लिया हूं ना बिठ चौदह जी बाड़ी दवाई है। निवला 300 का यादगिरी आ गई, तू ये भूल रहा था कि मैं बिना भूल रहा था। इब तो हजार के बंद हो गए, जब तो लाल लोट था ना पूरा ओट फाड़े मान। और वो 300 और लागे डॉक्टर सा कंधा टक्कर मारदा, राम खोरो को तरीका धरा इलाज करने का। ओ चलिया गया, फिर महीने के पास फिर हिम्मत करया, न्यू करया, अगले आज ही सारा रोग बताऊंगा, अग मैं ठीक हो गया तो मान्या जाएगा, ना मान्या है ना जा हजार उल्टे लेने। फिर चलिया गया निवला, राज करिए इलाज। हाँ निवला बतावड़ा बोल। निवला आख्या नहीं दिखता कौन है, उन्हें सोचा को छोटे बड़े अक्षर पढ़ा होगा तू, नाट जी ना दिखता। निवला निवला आख्या तो दिखता कौन है, मुड्डे बैठन लग गया, वो तो बैठन गया पाली हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। निवला खतरनाक रोग है, डॉक्टर ने दिखा लेगी तो बाहर। निवला अच्छा बाहर दिखा ले, इलाज करे। निवला अच्छा इलाज कर। निवला इलाज कौन है कितना और दिखा ले आख्या। निवला ना तो फिर पीछे लूंगा। निवला कल्लू कहा काका इन्हें ले दे के डगा दे, करेगा दुकानदारी खराब। और कल्लू ने काट के नोट धर दिया, धरते डॉक्टर ने बोला आराम खोरो 500 का से झपट्टा मार के पाली ने खोस लिया, दिखन लग गया नहीं 300 और दे दे। माजी की आंखों से रीसराज का जन्म हुआ, गलती से जना ने तालाब में नहाया, नारी का स्वरूप होया, बालीर सुग्रीव माँ एक थी बाप दो थे, क्या जिक्र किया क्या लिखा। अरे ब्रह्मा की आख्यात हो गया, ब्रह्मा की आख्यात हो गया, रीसराज बलवान नहाने से बनी थी नारी, तू कर ले न उरे न ध्यान, दो पुत्र पैदा हुए करता होंगे व्याख्यान, दो पुत्र पैदा हुए करता हुए व्याख्यान, एक इंद्र अंशु बाली सूरज, इंद्र अंशु बाली सूरज, पुत्र तो शकुंठ ने रावण ने खिलाया काल, छोटे अंत संत ने ज्ञानी पहले समझ बात न मैं के समझाऊं लंथ में, श्री लक्ष्मी चंद तो कर पिंगल पद में